वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय चैनल कृषि इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस टॉपिक कम्स अंडर फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। सो लेट अस नो फर्स्ट वी नो दैट व्हाट डू मीन बाई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? इट मीन इकोनॉमिक्स वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। इकोनॉमिक्स वर्ड किससे लिया गया है? टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन कौन से वर्ड है? ओकस, ओकस एंड नेमेन। ओकस एंड नेमेन से लिया गया है। इन विच ओकस मीन ए हाउस एंड नेमेन मीन टू मैनेज। इट मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंड? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इट मीन एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट टर्म इज दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज इन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में कमोडिटी का, वस्तुओं का क्या करना? प्रोडक्शन करना, एक्सचेंज करना और उनका कंजप्शन करना। इन सारी चीज़ों की स्टडी करने के कहलाता है इकोनॉमिक्स कहलाता है। एंड इट इज ऑल्सो शो दैट हाउ स्केयर रिसोर्सेज कैन टू बी यूज टू इंक्रीज द वेल्थ एंड ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए अधिक से अधिक आप जो इसका रिसोर्सेस हैं उनका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इकोनॉमिक्स का मेन उद्देश्य होता है कि जो स्केयर रिसोर्सेस हैं, स्केयर रिसोर्सेस का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनकी कमी है। जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉन्ड्स कैसे हैं, अनलिमिटेड है, बट उनको सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे सीमित हैं। इसलिए हम स्केयर रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइज करें जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर हो, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। ये इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्ट रहता है। अब जानते हैं डिफरेंट दो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी है, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन? वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ ने। क्वेश्चन आता है हु गिव द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो किसने दी? एडम स्मिथ आपका आंसर होगा। क्या हुआ? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इंटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776 में। एडम स्मिथ के द्वारा जो रूल की गई कौन सी थी? क्वेश्चन आ सकता है कि एन इंक्वायरी इंटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कब लिखी? 1776 में। उसमें इन्होंने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। किसने कहा? एडम स्मिथ ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हु गिव द स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ किस बुक में कहा गया था? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। ही एक्सप्लेन हाउ ए नेशन वेल्थ इज क्रिएटेड। और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए किस प्रकार से वेल्थ को क्रिएट किया जाता है। सेकेंड इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है वो वेलफेयर संबंधित है। वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने दी वेलफेयर डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल रॉट ए बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक लिखी इन्होंने? प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन आ सकता है कि हु रॉट द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने इसमें उन्होंने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि मनुष्यों का अध्ययन किया है कि वो किस प्रकार से बिजनेस करते हैं और उससे किस प्रकार इनकम को जनरेट करते हैं। इट मीन अल्फ्रेड मार्शल डिफाइन इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सेकेंड थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो थर्ड डेफिनेशन जो दी है इकोनॉमिक्स की वो कौन सी डेफिनेशन है? वो है स्कार्सिटी डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन? स्कार्सिटी डेफिनेशन।
इसका सटीक डेफिनेशन दी लियोन रॉबिन्स ने। किसने दी? लियोन रॉबिन्स। स्कार सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना। क्या होना? लैकनेस। लैकनेस मीन कमी, जैसे लैंड है, लेबर है, क्या है ये हमारे पास कम है, ठीक। तो क्या है? स्केयर रिसोर्सेस है। स्केयर रिसोर्सेस का जितना अधिक अच्छा यूज हो पाएगा उतना हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, ठीक है। तो लियोन रॉबिन्सन ने जो बुक लिखी कौन सी थी? एन इज ए ऑन द नेचर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है? एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कब लिखी? 1932 में। तो लियोन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंड एंड स्केयर मीन्स। इंड क्या होती है? अनलिमिटेड, जो हमारी बॉन्ड्स हैं। स्केयर मीन होता है लिमिटेड, तो जो हमारी बॉन्ड्स हैं अनलिमिटेड, उनको हम लिमिटेड रिसोर्सेज से किस प्रकार से सेटिस्फाई करें। तो स्कार्सिटी की डेफिनेशन किसने दी थी? लियोन रॉबिन्सन ने। इन्होंने अपने डेफिनेशन कहा था कि इकोनॉमिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर है, उनके उनके बिहेवियर का स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है, अकॉर्डिंग टू स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ लियोन रॉबिन्सन। सबसे लास्ट डेफिनेशन है फोर्थ डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी? प्रोफेसर पॉल सैमुएलसन। क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ, हु गिव द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, किसने दिया? पॉल सैमुएलसन ने। पॉल सैमुएलसन रॉट ए बुक द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। उन्होंने कहा था कि जो पॉल सैमुएलसन ने कि स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू इम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूज टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। ये कह रहे हैं कि पॉल सैमुएलसन किस प्रकार से हम जो इसका रिसोर्सेज हैं सोसाइटी उनको उपयोग करती है, जिसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, ठीक। और किसके लिए? फॉर प्रोडक्टिव ऑफ द रिसोर्सेज, जिसको हम वर्तमान में या आगे नियर फ्यूचर्स उपयोग कर सकें। अंडरस्टैंड? ये बार समझते हैं ग्रोथ डेफिनेशन को। तो ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी? पॉल सैमुएलसन ने दी। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू इम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूज, मतलब सोसाइटी किस प्रकार से रिसोर्सेज का उपयोग करती है, जिसका विभिन्न प्रकार से उपयोग हो सकता है, अल्टरनेटिव यूज होते हैं, ठीक है। किसके लिए? टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी ओवर टाइम, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए। कोई भी जो मनुष्य होते हैं, पीपल या सोसाइटी, किस प्रकार से सीमित संसाधनों का उपयोग करे जिससे कि किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया जा सके। अंडरस्टैंड? तो ये थ्री फोर डेफिनेशन थी डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें पहले सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी हु गिव द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ ने, ठीक है। फिर कुछ दूसरा था कि स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी? लियो रॉबिन्सन ने। ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी? पॉल सैमुएलसन ने, ठीक है। और वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या थी? एक तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक अच्छे से करना, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। दूसरा जो डेफिनेशन है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अकॉर्डिंग टू लियोन रॉबिन्सन, अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएलसन, इसके अकॉर्डिंग आप याद कर लेना। तो आपका एक चैप्टर, एक टॉपिक हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स एंड राइट डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।